हेलो नमस्कार दोस्तों, मोहित तोमर पॉपुलर किसान यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। और किसान भाइयों, सन 2024 में पॉपुलर लगाने का टाइम तो ख़त्म हो गया मेरे भाई, अब आ गया पॉपुलर की केयर करने का टाइम, जिससे आपको पॉपुलर से ज़्यादा फ़ायदा हो जाए। देखो, पॉपुलर की खेती जो किसान भाई कर रहे हैं वो कुछ आस से कर रहे, कुछ उम्मीद से कर रहे, उनकी पॉपुलर की खेती से एक उम्मीद है। देखो, वो गन्ने की खेती भी कर रहे हैं, गेहूँ की या आपकी धान की खेती भी कर रहे हैं, उन्हें उपज नहीं मिल पा रही। और वो भी आदमी कर रहे हैं जो बाहर अपनी कोई इनकम कर रहे हैं या नौकरी कर रहे हैं या अपना कोई बिजनेस सेटल कर रखा, उनके लिए भी सबसे बड़ा ये मानो परेशानी का सबक है कि वो बाहर रह के अपनी खेती को नहीं कर पाते, और उसमें भाई जो ठेके के पैसे मिलते हैं उनसे उनका पूरा नहीं पट पाता, क्योंकि जो इकट्ठा पैसा आता है उसका अपना एक अलग वजूद होता है। वो किसान को भी अगर इकट्ठा मिले या कोई बाहर नौकरी कर रहा है उसे भी मिले, तो उसके ऊपर ये वीडियो है किन किन बातों का ध्यान रखें जिससे आप पॉपुलर की खेती में जल्दी से जल्दी पॉपुलर को तैयार भी कर दें और अच्छा फ़ायदा उठाएं। देखो किसान भाई, पहले तो मैं आपको सबसे पहले बताऊं कि आप कोशिश करो कि आपने जो प्लांटेशन करी उसमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ आपके सफल हो, मतलब सूखे ना, सौ के सौ परसेंट प्लांटेशन आपकी सक्सेसफुल हो, एक भी पेड़ ना सूखे। तो आपने पेड़ में नमी बनाए रखो जिसके उसका आपका फ़ायदा मिलेगा, क्योंकि और 10-15 दिन में बसंत ऋतु आने वाली और 4-5 मार्च के आसपास मोड़ शुरू हो जाएगी पेड़ में, तो नमी बनाने की कोशिश करो इन 10-15 दिन में। हवाएं बहुत तेज़ चल रही है, गर्मी का मौसम है, पछुआ हवा चल रही है जिसमें नमी भाग जाती है, तो आप कोशिश करो पानी या तो डिब्बे की सहायता से या अपने खेत को पूरे को भर दो, जिससे आपका पेड़ जल्दी से जल्दी नमी उसे बर्दाश्त करेगा वो, और वो सूखने का नहीं मेरे भाई। और ये जो किसान भाई आप पेड़ देख रहे हैं, हमारे 3 साल के पेड़ हैं। आज तो मेन टॉपिक हमारा ये है कि 3 साल में पेड़ को आप कैसे तैयार कर सकते हो। आपको बिल्कुल भाई दिखाओ, ये 3 साल के पेड़ हैं किसान भाइयों, और ये हमने 109-110 वैरायटी के पेड़ मिक्स करके लगा रखे हैं। आप इनकी पहले तो पहचान दिखाओ, नीचे से 110 वैरायटी की, नीचे से ऊपर तक दिखाओ बिल्कुल भाई। ये 110 वैरायटी का पेड़ है किसान भाइयों, आप पहचान कर लो, और ये 3 साल का है, ऊपर तक दिखाओ, 3 साल का पेड़ है ये। ये गांव बेलडा जिला मुजफ्फरनगर में खड़ा है, कोई भी किसान भाई आके देख सकते हैं इसे, और मैं आपको इसकी ग्रोथ भी दिखाऊंगा, मैं आज फित्ता भी ले रहा ना आपके दिखाऊंगा कि 110 वैरायटी ने 3 साल में कितनी ग्रोथ करी, देखो और कैसे करी वो भी बताऊंगा। देखो भाई, 25 इंच ग्रोथ कर ली भाई इसने। और किसान भाई जी, मैं बताऊँ आपको, ये हमने सरसों के खेत में पेड़ लगाए थे भाई, सरसों के खेत में लाइन बना के पेड़ लगाए थे, फिर हमने इसमें गन्ना लिया 1 साल, फिर इसकी पेड्डी ली, फिर गेहूँ बोए, और इस बार फिर जई बो रखी। देखो पूरे 3 साल कंप्लीट हुए 10 फरवरी को इस पेड़ को, और आप इसकी ग्रोथ देख सकते हो। तो किसान भाई जो, अगर आपको पेड़ जल्दी तैयार करना, तो उसमें एक तो गन्ने की क्रॉपिंग करो, गन्ने में पेड़ बहुत ज़्यादा ग्रोथ करता है। और एक मेन बात है, देखो इस पेड़ की आप देखो, कोई झंगाई नहीं कर रखी हमने, आपको कभी झंगाई की जरूरत नहीं पड़ने की कभी भी। जब आपकी मोड़ शुरू होती है आप उस पर हल्का सा हाथ फेर दो, कभी आपको झंगाई की जरूरत नहीं पड़ने की अगर आप थोड़ा एक्टिव हो, क्योंकि झंगाई अगर आप करोगे तो आपके पेड़ में कीड़ा आएगा, बर्मा लग जाएगा। देखो इसमें कोई झंगाई नहीं है, और मैं आपको 109 के पेड़ भी दिखाऊंगा, अंदर आ जाओगे बिल्कुल भाई, दिखाओ। ये 109 वैरायटी का पेड़ है, देखो भाई आप इसकी भी सुंदरता दिखाओ नीचे से ऊपर तक। ऊपर तक दिखाओ, देखो किसान भाई ये 109 वैरायटी का पेड़ है, इसे भी मैं एक बार आपको नाप को दिखा दूँ। देखो ये मोटा जरूर हो गया पेड़, लेकिन इसका अगर कटाई का समय हो, जो किसान भाई कहते हैं 2 साल में 3 साल में कटवा देंगे भाई, मजा तो पेड़ को कटवाने में 4 या 5 साल में है। वो देखो देखो 28 इंच ग्रोथ है भाई इस पेड़ की, 3 साल का पेड़ है। और ये एक पेड़ ही नहीं भाई, मैं आपको अगला भी पेड़ दिखा दूँगा, 9 वैरायटी की ग्रोथ 10 के मुकाबले ज़्यादा भाई। देखो भाई 28 इंच ग्रोथ, अगला पेड़ भी दिखा दूँगा, ये टोटल पेड़ किसान भाई समान पर है। और ये दोहरे का पेड़ देखो किसान भाई, ये कितना ज़्यादा होगा, 3 साल का ही पेड़ है ये भी किसान भाई का।
30 इंच प्लस है, देखो भाई पूरा 30 इंच, ये दोरे का पेड़ है भाई। देखो किसान किसान भाइयों, मैंने आपको दिखा दिए पेड़, ये 3 साल के पेड़ है। देखो अब आप कहेंगे इतने मोटे कैसे होंगे, देखो इस खेती को आप अपना गन्ने की खेती समझ के करो, इसमें लगाव करो, मेहनत करो इसके प्रति, इसमें खाद पानी का भी ध्यान रखो। ये नहीं कि पेड़ लगा दिए पेड़ अपने आप हो जाएंगे, अपने आप कोई चीज़ नहीं होती उसमें। जितना आप एक्टिव होगे उसके प्रति सक्रिय रहो, इसे पानी की ज़रूरत है तो पानी दो, खाद की ज़रूरत है तो खाद दो। अब कुछ किसान भाई कहेंगे खाद क्या दे, देखो अब तो ये पेड़ सो रहा, मार्च के महीने में इस पर पत्ते आने शुरू हो गए, गेहूँ कटने के बाद अपना पानी दो। यही 3 मुख्य तत्व हैं, नाइट्रोजन और फास्फोरस और पोटास, ये तीनों मिक्सचर करके दे रहो, या तो एनपीके का एक कट्टा आता है वो डाल दो आप, दो दो तीन तीन मुट्ठी, या सुपर डाल दो आप, या यूरिया डाल दो, या डीएपी डाल दो, ज़्यादा करो रिजेंट डाल दो, फ्लोडान डाल दो, ये बहुत अच्छा काम करती है इसमें। यही 4-5 दवाइयाँ, कोई स्पेशल खाद नहीं। हो सके अगर आपके पास पशु हैं तो देसी खाद डलवा दो, वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और नमी बनाए रखो इस खेत में, पानी जितना आप दोगे, जितना इस पे पत्ता आएगा उतना इसकी खुराक बनेगी, सीधा सा हिसाब है। ये पत्तों से खुराक ले रहा है, या कोई मुँह, या तो वो तो है नहीं मुँह से खाएगा, या तो जड़ से खुराक लेगा या पत्तों से लेगा, जितने इस पे ज़्यादा पत्ते आएंगे उतनी खुराक लेगा किसान भाइयों। और मैं आपको एक बात और बताऊँ, जो किसान भाई कह रहे कि हमारे भी 3 साल के पेड़ हो गए ग्रोथ नहीं कर रहे, आप देखना एक तो आपने जंगाई कर दी उन पेड़ों की, एक मेन बात है दूरी। आप इस पेड़ की दूरी देखो भाई, ये जो प्लांट लग रहा है 15x15 की दूरी पे लग रहा। हम हर एक वीडियो में एक ही बात कहते हैं कि दूरी पे ध्यान रखो, दूरी पे ध्यान रखो। किसान भाई ने सोच लिया कि हम पागल हैं, ये सारा खेल ही दूरी का। किसान भाइयों अगर आप दूरी का ध्यान रखेंगे तो फिर बहुत बढ़िया रहेगा। किसान भाइयों देखो, आप ये ना सोचो कि पेड़ ज़्यादा लगाने, आप बीघे में 40 ही पेड़ लगा लो भाई, चाहे 35 ही लगा लो, वे भी आपके इतने रुपये के हो जाएंगे जितने के 80 पेड़ नहीं होने के। अगर आप ज़्यादा पेड़ लगा दोगे उनकी मोटाई नहीं बढ़ने की, मोटाई नहीं बढ़ने की तो आपको तो वेट का पैसा मिलेगा, पेड़ों की संख्या का कोई ठेकेदार आपको पैसा नहीं देते। इसलिए भाई आप अपने पेड़ में वजन बढ़ाओ, जितना आप गैप दोगे उतना प्रकाश संश्लेषण बनेगा, उतना इसके पत्ते पत्तियाँ फैलेंगी चारों तरफा को, उतनी ये खुराक लेगा ऑटोमेटिक से, सीधा सा हुआ है। 28 इंच पे किसान भाई गन्ना बो रहे थे, अब लोग बाग 5-5 फुट पे बोने लगे, कोई 6 फुट पे भी बो रहा, निकल रहा गन्ना उतना ही। उसका कारण बताऊँ, गन्ना मजबूत हो जा, तंदुरुस्त हो जा, उसमें वेट हो जा। और अगर आप 28 इंच पे गन्ना बो रहे, वो गन्ना बारीक रहेगा, उसमें मूना रहेगा, हल्का गन्ना हो जा। इसीलिए भाई स्पेस का मेन ध्यान रखो, अगर आपका स्पेस बहुत बढ़िया है कम से कम 14x14, 13x13, 15x15 ये कम से कम दूरी होनी चाहिए आपकी। अगर आप इस साल भी 10x5 प्लांटेशन कर रखी तो भाई ये गलत कर रहे हैं आप, दो दो पेड़ निकाल लो जब भी फायदा होगा। कुछ भाई 15x5 पे कर रहे हैं, कुछ किसान भाई भी ये कह रहे हैं कि भाई घिन के पेड़ लगा दो हो जाएंगे, होने के नहीं, नर्सरी वाले अपना पेड़ बेचने के लिए कह रहे हैं आपको कि घिन के पेड़ भी हो जाएंगे, नहीं होने के नहीं मेरे भाई, हमने पहले घिन के पेड़ भी लगा के देख लिए, होते नहीं। देख लो आप इन पेड़ों की स्पेस देख लो कितनी बेहतरीन है। मैं आपको दूसरा भी प्लांट दिखाऊंगा अंकुल भाई, वो हमने लगा रखा है भाई 20x10। किसान भाइयों मैं आपको अपना दूसरा प्लॉट भी दिखाऊंगा जिसकी दूरी 20x10 है और बहुत बेहतरीन ग्रोथ है मेरा भाई। और आप उसमें गेहूं देखो, ये गेहूं हमारे 3.5 क्विंटल का बीघा निकलेंगे कम से कम। देखो आप, मैं आपको ये दिखा दूँ इनकी दूरी, देखो आप कितनी बेहतरीन है, दिखाओ अंकुल भाई इनका 20 का स्पेस देखो कितना बेहतरीन है, इन्हें फूलने की पूरी जगह मिल रही, पूरी देखो स्पेस देखो कितना बेहतरीन है। ये सारा खेली स्पेस का मेरे भाई, जितना ज़्यादा आप स्पेस दोगे उतना ही ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा मेरे भाई। ये नहीं कि आपने पेड़ी पेड़ लगा दिए तो आपको फ़ायदा होगा, बिल्कुल नहीं होने का, ये सीधा ही खेल दूरी का होगा मेरे भाई। दूरी लगाओ, वैरायटी लगाओ, उसका ही आपको फ़ायदा होगा। और जो किसान भाई बाहर नौकरी कर रहे उनके लिए इससे बेस्ट ऑप्शन कुछ नहीं है मेरे भाई। लेबर नहीं मिल रही, खाद पर खर्चा आ रहा, पेस्टिसाइड पर बहुत मोटा खर्चा आ रहा। देखो अगर आप इसे लगाओगे तो कम से कम बता रहा मैं 5 साल में आप आराम से 3.5 क्विंटल का पेड़ कर सकते हो आराम से, ये मैं आपको कम से कम बता रहा। तो आपके एक एक पेड़ की कीमत अगर आज का भाव लगाएं तो कम से कम भी 5,000 रुपये की कीमत है किसान भाई, तो आपको कोई नुकसान नहीं आने का बिल्कुल भी किसी भी तरह। ये दूरी का खेल है, जितना आप स्पेस दोगे, नर्सरी वालों की बात ना मान लो, वे तो ये कह देंगे बीघे में 100 पेड़ लगा लो, 70 पेड़ लगा लो, आपका नुकसान हो जाएगा, आपका लेबर का खर्च भी पड़ेगा, आप गड्ढे करवाओगे। आप कम पेड़ लगाओ, सही वैरायटी लगाओ तो आपको फ़ायदा होगा, अन्य आपको इससे अच्छा तो आप पॉपुलरी खेती ना ही करो। अगर आप दूरी मेंटेन नहीं कर सकते आपकी पॉपुलरी खेती ना करो भाई, कोई और खेती कर लो, यह सारा खेल दूरी का है। अगर आप खिद्दे पेड़ लगाओगे, अगर मंदा भी आ गया ना किसान भाइयों, आपको फ़ायदा होगा।
नुकसान नहीं होने का, क्योंकि जितना आप इसे पेड़ को रोकोगे उतना इसमें वेट की वृद्धि होती चली जाएगी, पेड़ आपके 8 से 10 क्विंटल भी हो जाएंगे। किसान भाइयों ये ना सोचो 3 क्विंटल का ही पेड़ होता है, और कुछ ठेकेदार भाई ये क्या है कि 10 साल के बाद पॉपुलर ख़राब हो जा, पॉपुलर कभी ख़राब नहीं होता, आदमी में कैपेसिटी होनी चाहिए अपनी कैपेसिटी। कुछ किसान भाइयों की इनकम के स्रोत थोड़नी और पॉपुलर के पेड़ लगा लिए, भाई वो तो असफल हो जाएंगे। आप इसमें इनकम के स्रोत भी होर करो, या ये ना करो कि सारी ज़मीन में पॉपुलर लगा दो। अगर आपकी इनकम के स्रोत होर हैं तो सारी ज़मीन में लगा दो, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपकी सारी जीविका गन्ने पे या खेती पे ही है तो अपनी ज़मीन के 25% में पॉपुलर लगा दो, 25 में या 75% में अपना गन्ना करो जाओ, गेहूँ करो जाओ, जिससे आपकी जीविका चलती रहे। किसान भाइयों ये सारा खेल है माइंड सेट का। अगर आपने माइंड सेट कर लिया तो आप पॉपुलर की खेती से फ़ायदा लोगे, अगर आपका माइंड सेट नहीं है तो भाई आप इसमें नुकसान लोगे 100 के 100%। देखो हमारे पापा जी भी इसे 25-30 साल से कर रहे, अब हम भी हैं 5-6 साल से पूरे एक्टिव हैं इस चीज़ में। तो अपना माइंड सेट बना लो कि हमें इससे ही पैसा कमाना, वो हमें 5 साल में मिले या 7 में मिले, जब भाव अच्छे होंगे हम जब ही कटाएंगे पेड़। ये नहीं कि हम मंदे में कटा देंगे, हमारा पेड़ तैयार हुआ नहीं और हमने मंदे में कटा दिया तो आपको नुकसान हो जाएगा। किसान भाइयों अपनी ये मान के चलो, आर्थिक स्थिति को मजबूत करो, क्योंकि पैसे के बिना मेरे भाई कुछ नहीं। अगर आपके पास पैसा है तो आपके हर एक आदमी इज्जत कर रहा, अन्य कोई रिश्तेदार भी इज्जत नहीं करता। और ये एक ऐसी खेती है जो किसानों को ये मान के खुशहाल कर देगी, मैं ये नहीं कहता बहुत बड़ा मालदार कर देगी, लेकिन खुशहाल कर देगी। गन्ने ने किसानों की दही तोड़ के भगा दी मेरे भाई, पेस्टिसाइड का इतना मोटा खर्चा रहा, किसान के मन से पूछ के देख लो उस पर क्या रुपये आ गए। सारा मामला उधार में पड़ा, उसका क्रेडिट कार्ड उसके जुम्मा का, सोसाइटी उसके जुम्मा है, उस पर 1 रुपया धुर नहीं मेरे भाई। या मैं आपको सच्चाई बता रहा, किसान की हकीकत, अगर आप इसे लगाओगे 2 रुपये इकट्ठे आ जाएंगे, आप अपनी लड़की की शादी भी कर सको, अपनी बहन की शादी कर सको। भाई कोई बड़ा भाई अगर शादी नहीं हो पा रही, पैसे नहीं, 2 रुपये इकट्ठे आ जाएंगे भाई, मकान भी बना सको आप, और किसी से अगर 2-4 लाख रुपये उधार ले लें, उधार भी तार सको। अन्य भाई गन्ने खेती में उतरने के नहीं, जितना पेमेंट आ रहा वो सारा लग जा, कुछ नहीं बचता, बचता हो तो और बताओ, एक एक दो दो पर्ची आ रही है आपकी, वाई लगती चली जा। किसान साल के साल बाट देखो जा, कुछ होगा, होता कुछ है नहीं। तो भाई ये एक ऐसी खेती है जिससे आप फायदा कर सको और 4 से 5 साल में तैयार कर दोगे। दूरी मेंटेन रखो, सही वैरायटी लगाओ और खाद का ध्यान रखो, साल में 3 बार इसमें खाद डाल लो, DAP डाल लो, पोटाश डाल लो, यूरिया डाल लो, यही मुख्य बात है। इसकी जंगाई कभी ना कराओ, इसकी जो जुताई है जुताई टीलर हैरो से कभी ना करो। अगर हैरो टीलर से आप जुताई करोगे तो आपको नुकसान होगा। किसान भाइयों हमारा तो मेन मकसद यही है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी दे दे जो आपके काम आ सके, और हमारा कोई वो नहीं है जिससे आप इस खेती में असफल ना हो मेरे भाई, सफल हो जाओ, हमारा मेन उद्देश्य यही है। कैसी मेरी वीडियो लगी, कैसी मेरी नॉलेज लगी, कमेंट करके ज़रूर बताइए। और किसान भाइयों 3 साल के पेड़ हमारे कैसे लगे आपको, विपुल भाई एक बार सारे पेड़ और दिखा दो, और इनकी हमने दूरी बता दी, 15x15 है, 20x10 है, और आप आके देख भी सकते हो। गांव मेरा बेलडा है, जिला मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में, आप इस खेती को आके देखो, अगर आपको अच्छी लग रही है आप करो, कहीं भी राजस्थान पंजाब हरियाणा कहीं भी कर सकते हो। अगर आपके यहाँ सेल करने की इसमें कैपेसिटी है, कहीं सेल हो रहा है इसका माल, तो आप इस खेती को कर सकते हो बेफिक्र, कोई समस्या वाली बात नहीं। देखो किसान भाइयों आप पेड़ देखो कितने बेहतरीन है, देखो बिल्कुल भाई एक बार और दिखाओ पेड़ की सुंदरता, देखो किसान भाइयों ये नई कलोन है, इनकी सुंदरता देखो आप, देख के ही बनती है मेरे भाई, सुंदरता देखो आप कितनी बेहतरीन सुंदरता, ऊपर तक कभी जंगाई की जरूरत नहीं पड़ने की पेड़ को, कभी झांगने की नहीं। और जो किसान भाई ये कह रहे हैं ना कि पॉपुलर की जंगाई की जरूरत है, भाई जंगाई की कभी जरूरत नहीं, ये जो इसकी ब्रांच है वो इसकी ताकत है, और बिना ताकत के अधूरा है पेड़ मेरे भाई। और कभी भी टिलर और हैरो से जुताई ना करो भाई, यही मेरा निवेदन है। कैसी मेरी वीडियो लगी, कैसी मेरी जानकारी लगी, कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद किसान भाई।